पढ़ेंगे गूगल एडवर्ड, एक नया टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने वेबसाइट पढ़ा था कुछ, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि वेबसाइट का कुछ रह गया था, एक टॉपिक और होना था, तो वो जैसा भी डिस्कस होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे हम लोग बाद में अरेंज करेंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गूगल एडवर्ड कैसे होता है। गूगल एडवर्ड पहले थोड़ा सा डिफरेंट वेबसाइट्स में देख लेते हैं गूगल एड्स क्या होते हैं और कौन से एडवर्टीजिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, उसे समझते हैं। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करिए, मैं अपना स्क्रीन ये शेयर कर रही हूँ आप में, ये शेयर जो मैंने की है स्क्रीन, ये विजिबल हो रही है। समवन, एक कोई जना मुझे कंफर्म कर दे। ओके, थैंक यू। सो श्रेया, ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अभी मैंने यहाँ पे गूगल एड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले इसके पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं, गूगल एड्स में कौन कौन से एड आते हैं, किन एडवर्टीजमेंट के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे आप कोई सर्च करते हैं गूगल में, कोई भी चीज लिखते हैं तो वो सर्च करते हैं, जब आप सर्च करते हैं उसके बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो एक तो वो तरीके के ऐड हो गए जिसको हम लोग सर्च ऐड कहते हैं। एक और तरीके के ऐड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कोई साइट, एक मैं यहाँ पर वेबसाइट डाल रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, इसमें हम लोग देखते हैं। कि किस तरीके के एडवर्टीजमेंट के मैं बारे में बात कर रही हूँ और आज हम लोग कौन से एडवर्टीजमेंट को करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर एक ये पेज खोला है मनी कंट्रोल, आप इस पेज पे देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे रेक्टेंगल शेप में एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। सो वी आर कमिंग बैक टू अवर पेज जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। ये जो पेज है इसमें आप देख पा रहे हैं दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है दिस और ये वाला ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के दो एड लेफ्ट और राइट साइड पे चल रहे हैं। इसी तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी, एक जैसे ये एड छोटा सा लगा हुआ है यहाँ पर, और भी डिफरेंट डायमेंशन पे यहाँ पर एड आपको दिखाई देंगे। एक ये एडवर्टीजमेंट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डेली वीक करके, ठीक है, ये टेक थ्री का एक एडवर्टीजमेंट है, ये यहाँ पे फ्रॉन्क्स का एडवर्टीजमेंट है जिसमें कुछ कुछ टेक्स्ट लगभग सेम सी है, इमेज भी सेम है, बस एक लेफ्ट और एक राइट में चल रहे हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे एनएफओ क्लोज टूडे, एक ही एडवर्टीजमेंट है एक्सिस बैंक का, तनिष्क का एडवर्टीजमेंट है नीचे चल रहा है। तो ये डिफरेंट इस तरीके के जो एड होते हैं, जो हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डिफरेंट प्लेसेस पे कहीं ना कहीं हमें एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट हमें दिखाई देते हैं, इन एड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि गूगल में ये एडवर्टीजमेंट किस तरह से आते हैं और कहाँ से आते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे इनको रन करते हैं, इन सब चीजों को आज हम लोग समझेंगे। कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। I would suggest one more like कोई साइट देखती हूँ कौन सी। Let's say
वेरी मच श्योर कि इस साइड में दिखेगा, देखते हैं किस तरह के एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आते हैं। नहीं, दिस इज द हॉट स्टार, नहीं चलेगा। चलो मैं यहाँ पे दैनिक जागरण डाल लेती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं बैंगल्स के, किसी ज्वेलरी शॉप का, किसी ज्वेलरी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट है। तनिष्क का एड चल रहा है यहाँ पे। एक ही डायमेंशन में एक ही तरीके के दो तीन वैरायटी के एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। इससे नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐड कैसे ये साथ में लिखता है, यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन होता है, आप इन्हें क्रॉस कर सकते हैं। वेबसाइट में आप लोग देखिए किस तरह से डिस्प्ले ऐड दिखाई देते हैं, लेफ्ट राइट, कभी कभी यहाँ ऊपर टॉप में दिखाई देते हैं, छोटे भी होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं जो रीडेबिलिटी में भी नहीं आते। मैं जरा इसका चार्जर कनेक्ट करती हूँ ताकि ये कंटिन्यू बना रहे। तो ये एडवर्टीजमेंट जो साइड में डिस्प्ले होते हैं इस तरीके से, इन एड्स को आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इनको बनाते हैं। ये मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ में ही चलें, टॉप पर भी होते हैं, साइड में भी होते हैं। इसमें हम लोग कुछ अभी पढ़ेंगे कि इन एडवर्टीजमेंट के साइजेस कैसे होते हैं, डायमेंशंस कैसे लेते हैं और इनमें किन किन डायमेंशंस बनते हैं, ऑल ओवर कितने नंबर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पर हो सकते हैं। गूगल का प्रिस्क्राइब साइज होते हैं जो गूगल हमें शेयर कर देते हैं, अभी हम बताएंगे कहाँ से उनको निकालते हैं। उस डेफिनेट साइज में इनको क्रिएट करना होता है और इसके बाद फिर हम इसे रन कर सकते हैं। तो इसके लिए शुरू कैसे करेंगे, आप गूगल का अपना जो भी आपका जीमेल आईडी है उसको आपको ओपन करना है। गूगल को यहाँ पर गूगल का पेज ओपन करिए। आपकी जीमेल आईडी ऑलमोस्ट लॉगिन ही रहती है, नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये पहला स्टेप है कि आप यहाँ पर देखेंगे जब गूगल एड्स टाइप करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको। ये मैं फर्स्ट ऑप्शन जो चूज़ कर रही हूँ गूगल एड, इसको मैंने चूज़ किया है। आप जब इसे चूज़ करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी गूगल एड्स की। यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉर्नर पर लिखा हुआ है। अब यहाँ हमें साइन इन करना है क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ हम इसे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो जीमेल आईडी की लॉगिन होती है ये इसी से गूगल अकाउंट ओपन कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ मेरे अकाउंट कैंसिल है, मैं ये वाला अकाउंट को चूज करती हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। मैम टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक आज का है गूगल एडवर्टीजमेंट, गूगल एड। और गूगल एड में जो हम मैं आपको फर्स्ट स्टेप आज बता रही हूँ, जो साइड में इस तरह के एडवर्टीजमेंट चलते हैं उनको डिस्प्ले एड कहते हैं। क्योंकि गूगल एड में कई तरीके के एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जैसे सर्च एड हो गया, डिस्प्ले एड हो गया, मोबाइल एड हो गया, शॉपिंग एड हो गए। तो आज हम लोग पहला एडवर्टीजमेंट जो बनाना सीखेंगे वो होगा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तो आप टॉपिक लिख लीजिए गूगल एड्स और उसके आगे लिख लीजिए डिस्प्ले एड। मैं साथ में एक वर्ड का भी करते चलती हूँ, वर्ड पेज ओपन कर लेती हूँ।
भी एमएस वर्ड आज का टॉपिक है गूगल एड्स। और आज हम लोग गूगल ऐड में सीखेंगे डिस्प्ले एड। अभी हमने यहां से लॉग इन कर लिया अपना। लॉगिन करके मैं इस पेज पर आ गई हूँ। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन। ये स्क्रीन सबको दिख रही है टॉप में, प्लस का साइन बना हुआ है और न्यू कैंपेन लिखा हुआ है। हम यहाँ न्यू कैंपेन में क्लिक करेंगे। इन स्टेप्स को ध्यान से आप लोग देखिएगा। व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव? Just a moment. सिकेट्री हो गई कौन है? प्लीज अपना माइक ऑफ करें। किसका माइक ऑन है? तो यहां से हम लोग न्यू कैंपेन में जा रहे हैं। ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ में। एड ऑप्शन चूज करती हूँ। कौन सा? लेट्स सी। फिर से एक बात देते हैं, गूगल एप्स में जा रहे हैं। गूगल एप्स में हमने यहाँ पर टैप कर लिया, ये हमारा बिजनेस आ गया। मैंने यहाँ पे किया साइन इन। स्टार्टिंग में जो लोग गूगल एड चलाते हैं उनको अभी गूगल ऑफर देते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ऑफर आपने देखा था शुरू में कि 20,000 के एड जो चलाएंगे उनको 20,000 का क्रेडिट गूगल अपने पास से देगा। यानी कि 20,000 के अगर आप एड चलाते हैं आपकी कंपनी, तो गूगल वहां से आपको इस पेज लोड जाए, देन वी विल स्टार्ट। जब हमने यहाँ पे कैंपेन में चूज किया तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये ऑप्शन हमारे पास ऑब्जेक्टिव का खुल करके आ जाता है। इस ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में हमें अपने एड का ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि कौन सा एड मुझे बनाना है।
सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ये सारे ऐड के ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, इस पे मैंने सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे देखिए डिफरेंट सब ऑप्शंस है, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप, स्मार्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने जैसे अभी आपको बताया था कि हम लोग आज डिस्प्ले ऐड सीखेंगे, तो वी विल क्लिक ऑन द डिस्प्ले ऐड। अब हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे स्टेप्स यहाँ पर हम लोग देखते जा रहे हैं, एक स्टेप के बाद आगे के स्टेप अपने आप आते जाएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया, दिस इज द वेब पेज पीपल विल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। यहाँ पर मुझे वेबसाइट लिखनी है कि जो भी एड देखेगा, तो एड देखने पर एड को जो क्लिक करेंगे तो क्लिक करके कहाँ जाएंगे, तो यहाँ हमें उन्हें एक डेस्टिनेशन देनी होगी कि किस वेबसाइट पे मैं इनको लैंड करूंगी। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर लिख देती हूँ, योर बिजनेस वेबसाइट मैंने लिख दिया, www.rankeecommerce.com। .in है शायद। अब मैंने यहाँ कैंपेन का नाम लिख दिया, आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। डिस्प्ले ऐड हम लोग बनाते हैं, इसका पर्पस होता है जैसे अवेयरनेस का ऐड होता है ना, कि जैसे इसमें आप देख रहे हो लगातार जब आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, जो अच्छा वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट कैसे आते हैं, जो वेबसाइट एडवर्टीजमेंट को अलाउ करती है अपनी वेबसाइट में एडसेंस के थ्रू, वही वेबसाइट्स में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ये कंडीशन सभी को पता है। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एड दिखाई देते हैं। तो ये जो साइट में एड दिखते हैं, इनका पर्पस होता है कि एक तो आप इसको टैप करोगे तो आप इनकी वेबसाइट में, जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा सा बैनर एडवर्टीजमेंट दे दिया, फ्रॉन्ग्स द शेप ऑफ न्यू, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो मैं किसी पेज पे जा करके लैंड करूंगी। तो और दूसरा पर्पस क्या होता है, ये लगातार आपकी वेबसाइट में कॉन्टिन्यूअस आते रहते हैं, आप कोई भी वेबसाइट जाएंगे ओपन करेंगे तो वहां पे ये ऐड आपको दिखाई देते रहेंगे। इसमें क्या होता है कि बराबर आपकी इसमें पोजिशनिंग रहती है कि आपका जो माइंड का परसेप्शन है, एडवर्टीज को हम बराबर देखते रहते हैं, इधर भी आ रहा है फिर इधर आ रहा है, फिर हमने किसी और वेबसाइट को ओपन किया तो वहां पर पे भी आ रहा है। तो होता क्या है इससे कि माइंड में एक हमारा ना उस पर्टिकुलर उसकी एड की इमेज बन जाती है कि भाई ये कुछ तो है। तो कई बार हम ओपन भी कर लेते हैं, नहीं भी ओपन करते तब भी एक ब्रांड इमेज कस्टमर के माइंड में क्रिएट होती है। तो डिस्प्ले एड हम लोग इसी करके चलाते हैं कि एक तो हमारी प्रेजेंस बनेगी ऑनलाइन, जो कस्टमर्स हैं, जो लोग पेज वेब पेज को सर्व कर ढूंढते हैं कुछ चीज़ों को, या वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहां पे हम उन कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखा सकें, अपनी ब्रांड इमेज को उनके दिमाग पे फिट कर सकें, बार बार उसी चीज़ को देखेंगे तो एक बनता है कि हाँ भाई ये लगता है कुछ है। जैसे यहाँ पे कार है, अभी मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पे अगर मैं इसको टैप कर दूंगी एक बार तो ये एडवर्टीजमेंट मुझे और भी शायद कई वेबसाइट में दिख जाएगा, जहां पर भी मैं कोई और अगर वेबसाइट ओपन करूंगी तो मुझे ये पता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस एड में, लेकिन मुझे ये पता है कि समथिंग, ये फ्रॉन्क्स करके लिखा हुआ किसी कार का एड है। तो ये एक परसेप्शन कस्टमर के ब्रांडिंग के तहत क्रिएट होता है माइंड में, जिसके लिए ये लोग एडवर्टीजमेंट इस तरीके के एड चलाए जाते हैं। तो मैं अब इसको देखिए यहाँ पर एक छोटा सा भी है, स्मॉलर, दिस इज द बैनर एड, साइड में भी लग रखा है। तो इसको माइंड में जैसे परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, एक इमेज क्रिएट करने के लिए, ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट इमेज, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया था डिस्प्ले एड, कैंपेन का नाम डिस्प्ले 1। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई चीज को सर्च कर लेते हैं, जैसे ही आप उसको सर्च करते हैं, देखते हैं, जैसे मैंने आज दिन में मैंने ये तनिष्क का वेबसाइट खोला था, और तनिष्क का वेबसाइट ओपन करके मैं ये रिंग देख रही थी, तो ऑल ऑफ सडन थोड़ी देर के बाद मैंने जो भी वेबसाइट ओपन करी उन सब में, जैसे मैंने ये अभी आपके सामने ये वाला वेबसाइट खोला तैनी चाहे, जिसमें कोई यूज नहीं है, बट ये तनिष्क का ये पूरा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आ रहा है, जो मैंने वहां पर क्योंकि मैंने इनका वहां पर ओपन किया था दोपहर में। तो इस तरह से भी ये फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और भी जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, दूसरे एडवर्टीजमेंट्स पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं।
तो ये डिस्प्ले ऐड एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं मेरे दिमाग पे। सपोज मैंने दोपहर में इसको देखा था, फिर मैंने बंद कर दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने शाम को अपना वेब पेज खोला, कोई भी इंटरनेट खोला, कोई पेज खोला कुछ देखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, तो फिर से ये मुझे रिकॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो मेरे दिमाग में एक रिकॉल आया कि अच्छा हाँ, मैंने दोपहर में देखा था इसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट हमको फॉलो करते हैं। तो डिस्प्ले कैंपेन का यही काम है कि जब आप अपना कोई ऐड चलाएंगे तो इसी तरह से कस्टमर्स को फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ऐड का नाम लिख दिया, कैंपेन डिस्प्ले वन कैंपेन का नेम हो गया। अब मुझे सेकेंड ऑप्शन में चूज करना है लोकेशन। तो हम पहले यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी लिखते चलती हूँ, डिस्प्ले ऐड हमने किया, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट हमें करना है कैंपेन का नाम डालना है। ने नाम लिख लिया, देन आफ्टर फिर मुझे यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन में मैंने इंडिया सेलेक्ट कर सकती हूँ, एंटर अनदर लोकेशन और दूसरी कंट्रीज में। एक बार हम लोग पढ़ रहे थे तो किसी ने पूछा था कि आप बाहर की कंट्रीज पे भी हम लोग एडवर्टीजमेंट रन करा सकते हैं, तो हाँ करा सकते हैं, ऐसे ही करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर अनदर लोकेशन डाला। अब यहाँ पे मैं कोई लोकेशन डाल सकती हूँ, हो सकता है मुझे किसी सिटी की लोकेशन डाल सकते हैं, यूपी की लोकेशन डाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया का भी लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्या लिख दूँ मैंने यहाँ डाल दिया, एक मैं पर्टिकुलर लोकेशन देखती हूँ, किसी लोकेशन का नाम मुझे याद है क्या, कल्याणपुर। नीचे आप चूज कर पाएंगे यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे हमने अपनी लोकेशन ड्रॉप कर दी, मैंने यहाँ पर चूज कर लिया हमें क्या लोकेशन चाहिए। मैं यहाँ सिटी का भी नाम डाल सकती हूँ, एक मोहल्ले का नाम डाल सकती हूँ, कोई भी लोकेशन हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे उत्तराखंड का लोकेशन डाल दिया। थर्ड में हमारे पास ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, यहाँ मैं यहाँ पे टैप भी करती हूँ। सेकेंड नंबर पे हमें डालना है लोकेशन। लोकेशन जैसे आप लोगों ने फेसबुक एडवर्टीजमेंट डाली थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी लोकेशन हम लोगों को ड्रॉप करनी है। थर्ड में लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में हमें क्या लेना है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, हमें इंग्लिश नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि जो लोग इंग्लिश मतलब जो लोग हिंदी किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हो उनको ये एडवर्टीजमेंट दिखे। अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश मेंशन कर दूंगी तो जो अदर लैंग्वेज वाले लोग हैं उनको ये एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा। तो मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ और मैंने इसे ऑल लैंग्वेजेस कर दिया। तो आप लैंग्वेज में आप यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे थर्ड नंबर पे लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या चूज करना है हमको, ऑल लैंग्वेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हमारी आती है बिडिंग की। बिडिंग में हम लोग ये ड्रॉप करते हैं कि कितने में हम एक कॉल को करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक कोई हमारे पेज को क्लिक करे तो 4 रुपये खर्च हो, 3 रुपये खर्च हो, 25 पैसे खर्च हो। तो जो भी बिडिंग में, जैसे हम लोग फेसबुक में करते थे कि जैसे हमने कोई भी बिडिंग का अमाउंट चूज कर लिया तो वो अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होगा। लेकिन इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे और हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज नहीं करना बिडिंग का, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैंने इसको अलाउ किया है कि गूगल अपने अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट को रन करे और उसके हिसाब से दिखाए, और जो कॉस्ट आएगी वो गूगल उसको एडजस्ट करेगा कि कितना किस में कितना एलोकेट करना है। क्योंकि जब मैं उसको या आप करेंगे उसको तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही पैसे कटेंगे, तो हो सकता है उससे कम में काम हो जाए। तो इसलिए मैं इसको पहले ऐसे ही ड्रॉप कर दूंगी, सेक्शन को नहीं, इस वाले सेक्शन को नहीं टच करूंगी और ये गूगल अपने अकॉर्डिंगली इसको रन कराएगा कि कितना पैसा किस क्लिक में जाएगा।
यहाँ मैं बजट चूज कर लेती हूँ, बजट मुझे डाल देना है, सपोज लेट्स से मैंने 5 डाल दिया। अब मेरा ये एक सेक्शन ऑलमोस्ट जो है कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड सेक्शन में आते हैं, टारगेटिंग सेक्शन देखते हैं। टारगेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, जैसे फेसबुक में टारगेटिंग होती थी, थोड़ी बहुत तो मिलती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है समझते हैं। ऐड टारगेटिंग में हमने क्लिक किया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ गए टारगेटिंग के, कि हमको कैसे टारगेट करना है। कभी कभी क्या होता है, ये जैसे ये हमने अभी हम इसको देख रहे हैं, तो ये डिस्प्ले एड में ना इंप्रेशन की कॉस्ट होती है सिंपल, और जब टैप करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग आती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जब हम बिडिंग करते हैं, तो बिडिंग में हमें इसीलिए चॉइसेस नहीं देते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली गूगल जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। जो वो गूगल करता है वो मैक्सिमम बेटर ही करता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमको वहां पे छोड़ देना चाहिए। और अगर मुझे लग रहा है कि वो कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो फिर हम उसकी उसमें बिडिंग में अपनी प्राइसेस लगा देते हैं। और ज्यादा इफिशियंट तरीके से कैसे लगाएंगे उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अब ऑडियंस में 4-5 सेक्शंस होते हैं कि कौन देख सकता है हमारे एडवर्टीजमेंट को, डेमोग्राफिक कैसा है। बट इसमें कुछ चीजें नई हैं, जैसे कीवर्ड है, टॉपिक है और प्लेसमेंट है। उसको समझते हैं कैसे करना है हमको। यहाँ पे जो सेक्शंस लिखे होते हैं, यहाँ साइड में पेन बना है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या फिलअप करना है। डेमोग्राफिक में बेस्ड ऑन एज, जेंडर, ये सारा कुछ होता है। जब हम इसमें टैप करेंगे, ये हमारे पास एज सेक्शन पूरा क्लियर हुआ है। जैसे फेसबुक में हमारे पास क्या होता था कि हमें एज चूज करनी होती थी कि हमें कितने से कितने के बीच में करना है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं अनलिमिटेड कि मैं मेल फीमेल चूज करूँ, वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा मुझे, अगर मैं चाहती हूँ कि 35 से 44 तक के एडवर्टीज लोग हों लेकिन वो पेरेंट हों, तो हम ये भी चूज कर सकते हैं। ये क्यों चूज करेंगे, लेट्स से हमने कोई एडवर्टीजमेंट चलाया, जो मैंने छोटे बच्चों का एडवर्टीजमेंट चलाया कि स्कूल में एडमिशन होना है, प्री क्लास में, 1 क्लास में 2 क्लास में, तो मैं वहां पर ये चूज कर सकती हूँ कि 25 से 34 एज ग्रुप हो और वो पेरेंट हो। तो ये ऑप्शन जब मैं चूज करूंगी तो ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो इस एज ग्रुप में भी होंगे और उसके साथ ही साथ पेरेंट भी होंगे। अगर मैं ये एडवर्टीजमेंट किसी कॉलेज में चलाना चाहती हूँ, लेट्स से कि मुझे एमबीए के कॉलेजेस के लिए सर्च करना है कि बेस्ट एमबीए कॉलेज, तो बेस्ट एमबीए कॉलेज के लिए हमें यहाँ से हमें मालूम है कि बेस्ट एमबीए कॉलेज के जो स्टूडेंट की रैंक है, एज रैंक है, वो होगी 25 के आसपास, 20 से डाल सकते हैं, 20 22। तो मैंने यहाँ से 25 से चूज कर लिया, 34, ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ से ये हटा दूंगी। इसको हटाने से क्या होगा कि हमारा एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। और मैंने यहाँ पर डाल दिया वो पेरेंट ना हो, नॉट अ पेरेंट। तो अब नहीं भी डालेंगे तो भी वो इसी इस एज ग्रुप में 34 तक में जो पेरेंट होंगे उनको भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ डाल दिया नॉट अ पेरेंट, इट मीन्स कि वो बच्चे जो पेरेंट ना हो 25 से 34 साल के एज में, उनको ये एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। इस इनकम ग्रुप को मैं नहीं चूज करूंगी, इसको मुझे नहीं छेड़ना है कि क्या इसमें क्या ऑप्शन है। वो मैं चाहती हूँ सभी इनकम ग्रुप के लोग स्टडी करें, तो मेरा पर्पज ये है। अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट ऐसे चलाती हूँ कि जो मुझे चाहिए कि 50 साल के ऊपर के लोग ही देखें, या मैंने सोचा कि भाई कॉर्पोरेट में जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं वो एडवर्टीजमेंट रन करूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई कॉर्पोरेट कोर्स चलाऊं और उसमें मैं उसके लिए मैंने सोचा मैं कोई कॉर्पोरेट कोर्स चलाऊं रैंक की वर्ड में, जिसमें मैं चाहती हूँ जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं सिर्फ उन लोगों को सिखाऊं। तो वहां पे मैं चूज करूंगी कि अगर किसी ने 25 साल में भी चूज किया है अपना जॉब, तो मैं 35+ वाला ऑप्शन चूज करूंगी कि ये इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आए। और यहाँ पे फिर मुझे इनसे मतलब नहीं है कि पेरेंट है या नहीं है, ऑब्वियसली पेरेंट होंगे तो इन ऑप्शंस का कोई मीनिंग उसके लिए नहीं है। इसको मैं यहां से डन कर देती हूँ। तो मैंने एज चूज कर ली।
फिर इसके बाद मुझे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या जाना है कि किस तरीके से और इसको ऐड करना है। देखो जो गूगल एडवर्ड है, किसी ने अभी मुझे लिखा है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो गूगल एडवर्ड थोड़ा सा टफर है फेसबुक की तरह। पता नहीं आपको फेसबुक इंटरेस्टिंग लगा कैसे, आई डोंट नो, बट इसको आप ठीक से समझिए क्योंकि हो सकता है ये अच्छा नहीं लग रहा हो फेसबुक जैसा, बट बहुत यूजफुल है। और आपको ये एज एन जैसे आप अगर सोशल मीडिया मैनेजर या गूगल एड मैनेजर बनेंगे जाके कहीं पे, आपको एडवर्टीजमेंट रन करना होगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये एडवर्टीजमेंट हमें यूजुअली रन करने होते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटर जिस भी पोजिशन में आप जाएंगे, तो ये एडवर्टीजमेंट रन करने होते हैं। तो और इसका जो ये लेआउट है ये ऐसा ही होता है, फेसबुक का थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, तो थोड़ा सा लग सकता है कि कम अच्छा है। और इसमें चॉइसेस भी ज्यादा होती हैं, ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं, कंफ्यूजन्स भी ज्यादा होते हैं, तो ये आपको फोकस करके भी देखना होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एज ग्रुप चूज कर लिया कि क्या है, पेरेंटल स्टेटस चूज कर लिया। अब मुझे और नेक्स्ट पे जाना है, तो मैंने क्लिक किया कीवर्ड। कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए कीवर्ड क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आप चाहते हैं कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में दिखे, जैसे वूट में दिखे, या फिर कोई आपको पता है कि ये वाला चैनल है जिसमें बहुत अच्छी वेब सीरीज आती हैं और मैं इस पे चलाऊंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट चूज कर सकते हैं किस तरह की वेबसाइट में आपको एडवर्टीजमेंट देना है, तो ये सिलेक्शन आप अपने हाथ से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप इसमें ऑल करके ड्रॉप कर देंगे, तो फिर गूगल अपने अकॉर्डिंगली वहां पे एडवर्टीजमेंट रन करेगा। लेकिन आप जैसे लेट से जैसे 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 एक बार हम लोगों ने कोर्स किया था, जैसे कोई स्पेशल मैच है, जैसे सपोज करिए कानपुर में कोई मैच है, या लखनऊ, लखनऊ में तो स्टेडियम नहीं है, कानपुर में इंटरनेशनल ग्रीन पार्क मैच है, तो यहाँ कोई मैच हो रहा है, तो आपको पता है कि हॉटस्टार में आना हो सकता है, या इसके अलावा कोई और किसी तरीके का कोई इवेंट है जो पर्टिकुलर किसी चैनल पे आना है, तो आप उस पर्टिकुलर चैनल को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, मैच सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो सबको समझ में भी आएगा, और तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया अपना चैनल। चलो चैनल बाद में चूज करते हैं, पहले हमें कीवर्ड चूज करने, कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करने ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें चूज करना है कि एमबीए कॉलेज के एडमिशन के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेस्ट एमबीए कॉलेज, बेस्ट एमबीए कॉलेज। अब ये बेस्ट एमबीए कॉलेज तो हमने एक कीवर्ड लिख दिया जो कि रिलेटेड है एमबीए कॉलेज से। अगर हमें इसी तरह के रिलेटेड और चाहिए तो मैं क्या करूंगी, अगर आप लिख सकते हैं अपने आप से तो वेरी गुड एंड वेल, आप लिखिए। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप कीवर्ड को चूज करेंगे और वहां लिखेंगे बेस्ट एमबीए यानी कि जितने तरीके से एक किसी चीज को लोग ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के लिए टाइप कर सकते हैं, वो चीज को आपको देखना है। एक तो ऑप्शन होता है हम लोग अपने मन से समझ लेते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो क्यों है आई डोंट नो। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना इस तरीके से बेस्ट एमबीए कॉलेज, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, और आप बॉटम में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट में ऑप्शन दिख जाएंगे बॉटम में। देखिए मैं जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे साइड पे दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड हैं, जैसे बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, बेस्ट एमबीए कॉलेज, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर, सिटी के नाम से आ गए यहाँ पर क्योंकि मैंने वहाँ पर बेस्ट एमबीए कॉलेज डाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ नीचे देखिए और भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, बेस्ट एमबीए कॉलेज नियर कानपुर उत्तर प्रदेश इन इंडिया, प्राइवेट कॉलेज, टॉप 10 एमबीए कॉलेज विदाउट कैट, विद कैट, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं आप वहां पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके लिखूंगी, मैंने यहाँ से कॉपी करके लिख दिया, आप भी यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं, लिखते चाहिए। 15 से 20 कीवर्ड हमें दे देने हैं। इसी तरह से अगर आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को चला रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसका जो भी सर्च कीवर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। लेट्स से किसी को मेडिकल में जाना है, ठीक है, प्रिपरेशन करनी है, तो उसने डाला कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है इंजीनियरिंग की, मैंने यहाँ लिख दिया एमबीए कॉलेज की जगह मिल देती हूँ बेस्ट
मेडिकल कोचिंग, मेडिकल COACHING, बेस्ट मेडिकल कोचिंग इन इंडिया रिलेटिव। आज तो ऑनलाइन का भी जमाना है, सब लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ गए। अब हमें इसको ढूंढना है कि और हम किस तरह से इसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ मैं नीचे ड्रॉप करूंगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, टॉप मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ये सारे कीवर्ड्स को आप कॉपी करेंगे और यहाँ अपने कैंपेन में लिख देंगे। तो जब भी इस तरह का कोई भी वर्ड कोई सर्च करेगा तो आपका एड वहां पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया। दूसरा ऑप्शन और क्या हो सकता है? हर बार जब आप करेंगे तो अपना यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्ट वेब पेज ऐप वीडियो कि आपको कहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मुझे सपोज किसी पर्टिकुलर चैनल पे जो मैं अभी बात कर रही थी, मैंने डाल दिया यहाँ पे कि मुझे हॉटस्टार पे दिखाना है। तो यहाँ टीवी और सेक्शन में यहाँ नीचे आ जाएगा, हम यहाँ से चूज कर लेंगे। मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। या हमें कार्टून के चैनल पे दिखाना है, मूवीज के उस पर दिखाना है, तो जो भी ऑप्शन हमको यहाँ से चाहिए मैं यहाँ पर चूज कर लूंगी। टीवी वीडियो पे दिखाना है, मूवी टीवी जिसमें स्ट्रीम्स होते हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये मैं चूज कर सकती हूँ। यहाँ से चूज करने का ऑप्शन है आपके पास बहुत सारे। गेम्स के चैनल में आपको दिखाना है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे। अगर हमें नहीं समझ में आते हैं तो हम यहाँ पे सजेशन ले लेते हैं कि किस तरह का हमें चाहिए। सजेशंस के लिए यहाँ पर देखिए सर्च बाय वर्ड, आप सिर्फ लिखे यहाँ अपना वर्ड लिखे, जैसे हमने लिखना मेडिकल कॉलेज। तो उसमें मेडिकल कॉलेज आपने लिखा तो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि आपको किस में दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को चूज कर लिया और चूज करके इसको डन कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये वाली टारगेटिंग हो गई। इसको हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। मैंने यहाँ पर कहाँ तक लिखा था, लैंग्वेज। चलो मैं बाद में लिख दूंगी कि क्या क्या और चाहिए यहाँ पे। अब हमने प्लेसमेंट कर लिया, अब और क्या चीज बच रही है? ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हो गई, प्लेसमेंट मैंने चूज कर ली। प्लेसमेंट में आपने ये देख लिया कि आपको कहाँ पर दिखाना है, वेबसाइट में दिखाना है, यूट्यूब चैनल पे दिखाना है, यूट्यूब वीडियो पे दिखाना है, ऐप्स पे दिखाना है। मैंने ऐप्स चूज किए और यहाँ पे आपको ये ऐप डालिए। वूट कैसे होता है देखती हूँ मैं। देखिए वूट ऐप आ गया, मैंने यहाँ पर वूट चेक। मैं चाहती हूँ जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उसमें मेरा एडवर्टीजमेंट दिखे। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है शायद तो, बट यहाँ पे हम जो भी एप्लीकेशन चूज करेंगे, मुझे लग रहा है कि जो डेली सोप ज्यादा लोग देखते हैं उनसे हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे बच्चों के एडमिशन वाला जो स्कूल है, तो मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि भाई टीनेजर है वो टीवी ज्यादा देखते हैं, टीवी सीरियल ज्यादा देखते हैं। तो उनके बच्चों के एडमिशन के लिए अगर मुझे स्कूल के लिए एडवर्टीजमेंट रन करना है तो मैं वूट में डाल दूँ, हॉटस्टार में डाल दूँ, डिज्नी में डाल सकती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ कार्टून फिल्म ही देखते हैं, तो इस ऐसे ऑप्शन चूज करके मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगी और ये डन कर दूंगी। अब ये जो हमारी ऑडियंस टारगेटिंग थी ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो एटलीस्ट 5 से 6 स्टेप्स में पूरी होती है। लैंग्वेज के बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, मुझे चाहिए था बजट, BUDGET बजट। इसको मैं यहाँ से क्रॉप करूंगी। बजट के बाद फिर हमारा आ जाता है एड ग्रुप। एक सेक्शन फिनिश होता है, सेकंड में फिर हमने आना है टारगेटिंग पे। यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेटिंग, टारगेटिंग
टारगेटिंग में चार पांच तरीके की टारगेटिंग होती है, एक बार वापस से समझ लेते हैं इनको सबको क्लोज करके, यहाँ से क्लोज करेंगे। ये जो एरोज आपको ऐसे दिख रहे हैं डॉट डाउन करके, इसको हम बैक करके यूं करते जाएंगे तो पूरा का पूरा बैक हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इन नटशेल की कितनी हमने टारगेटिंग करी है। पहले मैंने टारगेट किया ऑडियंस सेगमेंटेशन मीन डेमोग्राफिक की एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, पेरेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए। सेकेंड में हमने कीवर्ड डाल दिए, कीवर्ड में आप 10 से 15 कीवर्ड डाल सकते हैं कि किस तरीके का आपको, अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या कीवर्ड डालने चाहिए तो आप एक दो वर्ड डालेंगे तो वहां पे सजेशन आ जाता है। मैं अभी सेशन के एंड में माइक ओपन करूंगी तो जो आपकी क्वेरीज हो आप बताइएगा, मैं उसको फिर से क्लियर करूंगी। ठीक है, आप अपनी क्वेरी को नोट कर लीजिए। तो कीवर्ड में आप 2, 4, 10, 12, 15 जितना आप डाल सको उतना अच्छा है। उतना क्यों अच्छा है, क्योंकि जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने आप 15-20 लोग जैसे सपोज ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि आप ढूंढिए यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सभी लोग यूपी के चीफ मिनिस्टर को ही ढूंढते हैं अपनी उसमें टाइप। कुछ लोग टाइप करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, कुछ लोग टाइप करेंगे यूपी चीफ मिनिस्टर, कुछ लोग टाइप करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबके टाइप करने का तरीका मतलब वर्ड्स जो है कंटेंट है वो अलग होंगे, लेकिन सबको आंसर एक ही चाहिए, राइट? बट सबके तरीके अलग होंगे। 15 लोग होंगे तो शायद कि नहीं एक दो का मैच करे। ऑल 15 विल टाइप समथिंग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और जिसकी वजह से आंसर सबका एक आएगा कि योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 10 12 15 क्यों कीवर्ड डालते हैं, ताकि मैक्सिमम सर्च जो है वो हमारे सर्च कीवर्ड्स में कवर अप हो जाए, कि कोई भी अगर उस चीज को ढूंढ रहा है जैसे कॉलेज ढूंढ रहा है या स्कूल ढूंढ रहा है तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल सर्चिंग के रिजल्ट हैं वो मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ तो मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे कि एडवर्टीजमेंट लोगों को दिखाई दे, उन सारे लोगों को जो उससे रिलेटेड या स्कूल में एडमिशन के लिए सर्च कर रहे हो गूगल पे कि कौन सा बेस्ट स्कूल है जहां मैं अपने बच्चों का एडमिशन दिला सकूं। देन आफ्टर कीवर्ड हमने डाल लिया, फिर हमने वहां पर टॉपिक चूज कर लिया कि हमको कहाँ पे दिखाना है वो एड, किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग दिखाना चाहते हैं, वेबसाइट का चैनल कौन सा होना चाहिए, मूवीज वाला होना चाहिए, कार्टून वाला होना चाहिए, न्यूज वाले चैनल होने चाहिए, शॉपिंग वाले होने चाहिए, कहाँ पे मुझे ये एडवर्टीजमेंट दिखाना है या हमको सभी पे दिखाना है। अगर सभी पे दिखाना आप कुछ मत चूज करें, छोड़ दें, ऑटोमेटिकली गूगल अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे कि इसको कहाँ कहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाना है। देन प्लेसमेंट में आ जाते हैं। प्लेसमेंट में आपको चॉइस है कि आप ऐप पे दिखाना चाहते हैं, वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं या दोनों पे दिखाना चाहते हैं या किसी खास एप्लीकेशन पे दिखाना चाहते हैं, तो ये मैंने चूज कर लिया। अब ये हमारी टारगेटिंग जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑलरेडी ऑन है, अब ये द बेस्ट वे यहाँ पर टारगेट हो जाएगा और लोगों को ये एडवर्टीजमेंट दिखाई देने लग जाएगा। थर्ड स्टेप में आते हैं एड्स में। जैसे उस फेसबुक में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी था ना, पहले कैंपेन्स देन एड ग्रुप करके था देन एड्स था, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से अब हम थर्ड सेगमेंट पे आ गए हैं जिसका नाम है एड्स। तो मैंने यहाँ पे टारगेटिंग कर दी। मैं अभी यहाँ पे एक ही सीक्वेंस पे कर रही हूँ, आप लोग क्योंकि साथ साथ देखते चल रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। अब थर्ड सेक्शन में आते हैं, एड्स में आ गए। एड्स में आने के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें अब हमें प्रॉपर जैसे फेसबुक के थर्ड सेगमेंट में हम फोटो लगाते थे, इमेजेस लगाते थे, लेकिन फेसबुक में क्या था कि हम सिर्फ एक इमेज लगाते थे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है एक इमेज का, यहाँ पे हमें मल्टीपल्स इमेज लगानी होंगी, मल्टीपल्स इमेज बनानी होगी। इसको कैसे करते हैं ये समझते हैं। इन प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड। अब यहाँ देखिए मैंने रैंक कीवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वेबसाइट गलत है या फिर इनको यूआरएल चाहिए। यस, HTTP चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर URL लिखूंगी। किसी ने उस दिन पूछा था लास्ट क्लास में URL कैसे करते हैं, तो आप वेबसाइट को ब्राउजर पर डालिए, टाइप करिए, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फिर ब्राउजर पर जो एड्रेस आता है उसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं कैसे इसको करूँगी, मैं यहाँ ड्रॉप करूँगी रैंक कीवर्ड somewhat.in है, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, यहाँ पे सर्च करूंगी, सर्च रिजल्ट कीवर्ड आ जाएगा। टू लेट सर, 8:30 बजे क्लास होती है, आप जल्दी ज्वाइन करें,
बहुत लेट हो गया है आपको। मैंने यहाँ पे रैंक कीवर्ड टाइप कर दिया, ये रहा, मैंने इसको ओपन कर लिया। जब हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब इसका क्या है, आप यहाँ पर टैप करिए और टैप करके इसका कंट्रोल सी करके इसका यूआरएल निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट कर दूंगी कंट्रोल भी। अब देखिए यहाँ पे जो एरर आ रही थी वो रिजॉल्व हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बिजनेस नेम। यहाँ पर आप बिजनेस का नाम डालिए। बिजनेस नेम का मतलब जिस कंपनी का ये एडवर्टीजमेंट है, जिसका आप एड चला रहे हैं। मैंने यहाँ पे अभी रैंक की लिख दिया है। अब इमेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एड अप टू 15 इमेजेस। आपको 15 इमेजेस एड करनी है यहाँ पे। अब दो ऑप्शन है आपके पास कि आप 15 इमेजेस को बना के पहले से रखें। फेसबुक में हमें एक इमेज बनानी है, यहाँ पे हमें 15 इमेज बनानी है। और यहाँ पे किस डायमेंशन की इमेज बनानी है, जैसे फेसबुक में हम 1200x1200 या फिर 600x600 की इमेज बनाते थे, यहाँ पर ये डिफरेंट डायमेंशन आप देख पा रहे हैं, ये डायमेंशन है, इन डायमेंशन की एडवर्टीजमेंट बननी है। लैंडस्केप इमेज, लैंडस्केप का मतलब जो इमेज ऐसे ऐसे, आई मीन मेरा तो नहीं दिख रहा होगा आपको हाथ, लैंडस्केप में वर्टिकल इमेज होती है, स्क्वायर इमेजेस, पोर्ट्रेट इमेजेस, तो ये सारे डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं। इन्हीं डायमेंशन में आपको अपना एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है। ये तो एक ऑप्शन हो गया। 15 इमेज बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आप बना के रख सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना एड बनाएंगे। एड बनाने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट ऑब्वियसली नहीं बनाना है, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा वो बनाएगा एड। आपको क्या करना है, आपको बनी बनाई इमेज मिलेगी, आपको सिर्फ अपलोड करना है। लेकिन अभी हमारे पास इमेजेस नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको समझते हैं। इमेज में देखिए आपका लिखा हुआ +1 इमेज, लोगोस, वीडियो, आप ये सब कुछ दे सकते हैं यहाँ पे। गूगल एक और भी ऑप्शन अच्छा सा देता है, वो क्या देता है कि आप ये 15-16 इमेजेस मत बनाइए, आप सिर्फ कुछ इमेज अपलोड कर दीजिए और कोई टेक्स्ट दे दीजिए, तो गूगल अपने आप से आपके लिए एडवर्टीजमेंट बना देगा। तो हम यही करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ फोटो दे दूंगी और लोगो दे दूंगी, तो ये जो गूगल है वो अपने अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट बना लेगा। तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम इमेज चूज कर लेती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है @least 1 लैंडस्केप इमेज दीजिए और 1 स्क्वायर इमेज दीजिए। लैंडस्केप मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई, मैं चेक करती हूँ। अब देखिए अगर एक और भी फैसिलिटी है यहाँ पे जो बहुत अच्छी है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वेबसाइट डाली है उसी से रिलेटेड कोई इमेज आ जाए, तो बड़ी आसानी से यहाँ से देखिए आपकी इमेज आ जाएगी। आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, ये मैंने दो यहीं से सिलेक्ट कर लिए हैं, और जब ये दोनों अपलोड हो जाएंगे तो ये मैं सेव ऑप्शन में क्लिक कर दूंगी। जब तक ये अपलोड नहीं आ जाती तब तक यहाँ पर सेव का बटन जो है हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया था कि एक इमेज मुझे लैंडस्केप देनी है और दूसरी मुझे स्क्वायर देनी है, तो मैंने ये दे दी है, तो इन्होंने इस इमेज को अपने आप से लैंडस्केप में कर लिया होगा आई थिंक। तो देखते हैं कैसे है। अब इसके बाद एड अप टू 5 लोगो, आप 5 लोगो तक दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही लोगो दे दूंगी। क्या मेरे पास लोगो है, लेट मी फाइंड इट आउट कि मेरे डेस्कटॉप में लोगो पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यहाँ से मैं अपलोड सेक्शन में जाऊंगी, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, एंड देन आई गो टू माय फोल्डर, और इस फोल्डर में मेरे पास मैं चेक करती हूँ, यस एक ही लोगो पड़ा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको यहाँ पर अपलोड किया है, अभी जैसे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर ये सेव का जो टैब है ये देखिए हाईलाइट हो गया। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये वाला लोगो यहाँ पर देखने लग गया। ये इमेज अभी रैंडम है, डेफिनेट शेप और साइज में नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए, समझाने के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ फिलहाल। अब यहाँ मुझे कुछ
टेक्स्ट लिखनी होगी, 2 से 3 हेडलाइन, जैसे कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था रैंक पे, हिंदी न्यूज़ पे मनी कंट्रोल, मैं वापस ओपन करती हूँ। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो जो डिस्प्ले ऐड पे होते हैं, जो डिस्प्ले ऐड होते हैं, जैसे ये एडवर्टीजमेंट आ गया एनएफओ का, तो डिस्प्ले ऐड में मोर और लेस इमेज में डिफरेंस होता है सिर्फ साइजेस का, और जो कंटेंट होते हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे एडवर्टीजमेंट चल रहे थे, दोनों में कॉन्टेंट ऑलमोस्ट सेम थे, देखिए नो मोर नो मोर। इस तरह से जब ये सेंटर वाला बड़ा बैनर का फोटो आया तो इसमें भी वही टेक्स्ट है, बस इसकी प्लेसमेंट चेंज है। यहाँ पे नो मोर कॉर्नर पे लगा हुआ है, नेक्सा लेफ्ट कॉर्नर पे है, क्योंकि ये लेंथ में है इसलिए इसको इस तरीके से अरेंज किया है। ये वाला स्क्वायर में बना हुआ है, तो इसमें आप देखो नेक्सा एक तरफ लिखा है, चारों कॉर्नर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बीच में कार है और यहाँ पे उनका कुछ लोगो लाइन के शेप ऑफ न्यू। तो ऐसे करके सेम टेक्स्ट होती है बट इमेजेस के डायमेंशंस अलग होते हैं, इस वजह से उसकी प्लेसमेंट अलग हो जाती है। तो वापस मैं जा रही हूँ इस पे जहाँ पे हम लोग बना रहे थे एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ मैंने हेडलाइन, जैसे मैंने हम लोग सोच रहे थे कि एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए लिखे हैं या मेडिकल कोचिंग के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेस्ट मेडिकल कोचिंग, COACHING, बेस्ट मेडिकल कोचिंग इन इंडिया। ये सब आपको ख्याल रखना है कि मैंने इंडिया लिखा है तो आई में डॉट, आई स्मॉल यूज किया है, आपको कैपिटल यूज करना है। बेस्ट मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कोचिंग इन इंडिया, एडमिशन ओपन टिल 15, सॉरी 14 अगस्त, USD, इस तरीके से। सूर्य प्रकाश सिंह, वेरी वेरी लेट सूर्या, इतना लेट क्यों हो गया सूर्या आपको? आपका भी एग्जाम है कल? एनीवे, ये मैंने एडमिशन ओपन टिल 14 अगस्त। आपको स्पेलिंग का ख्याल रखना है, आपको ये लिखना है कि ए कैपिटल होना चाहिए, आई कैपिटल होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट स्मॉल है, कौन सा फॉन्ट कैपिटल है, ये आप जब लिखेंगे तब आप उसका ध्यान रखेंगे। देन आफ्टर ये सारा कुछ मैंने कर दिया, अब मुझे इसको क्रिएट करना है, इसमें एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं आ रहा है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। टू रिव्यू दिस एड, फाइनल यू आर एल, बिजनेस नेम, टू इमेज, 1 हेडलाइन, 1 डिस्क्रिप्शन। 1 डिस्क्रिप्शन बाकी है अभी मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखी है, टू प्रिव्यू दिस एड, 1 फाइनल यू आर एल, 1 बिजनेस नेम, 2 इमेजेस, 1 हेडलाइन, 1 डिस्क्रिप्शन। तो मैंने हेडलाइन भी लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, क्या लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, गेट 20% ऑफ फॉर, ओहो कहाँ चला गया पेज, गेट 20% ऑफ फॉर अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड, ये मैंने डिस्क्रिप्शन एक दे दिया। वी डू नॉट हैव सजेशन द राइट। अब जब मैंने ये सारे इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं देखिए इसको कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास एडवर्टीजमेंट बन करके आ गया, ये पहला एडवर्टीजमेंट बन करके आ गया। फोटो जो मैंने दी थी, लोगो आई थिंक मेरा ज्यादा बड़ा है, इनके लोगो का भी डायमेंशन होगा कि इस साइज का लोगो आप दीजिए, जब मैं उस साइज का लोगो दूंगी तो पूरा लोगो फिट आएगा। अभी ये लोगो लेंथ में ज्यादा है,
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसलिए ये लोगो यहाँ पर कट रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कितना एक अच्छा सा एडवर्टीजमेंट बन के आ गया है, बेस्ट मेडिकल कोचिंग इन इंडिया, 20% ऑफ और अर्ली बर्ड अ क्लोज और ओपन, जो भी इनके टैब्स हैं। सिमिलरली और भी ऐड यहाँ पर रेडी हो गए हैं। इसको मैं टैप करूँ तो कैसे दिखेगा? शो मोर पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 काफी सारे ऐड जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये देखिए वेबसाइट और ऐप में कैसे दिखेंगे, और शायद यूट्यूब और जीमेल पे भी कैसे दिखने हैं, ये यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपके एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे दिखेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें प्रॉपर विजिबल हो रही हैं। अब ये हमारा एडवर्टीजमेंट रेडी हो गया है। इस एड को अब मैं पब्लिश कर दूंगी। एग्जाम्पल है एड का, यहाँ पे मैं प्रीव्यू देखूंगी। तो प्रीव्यू शेयर करने के लिए मैं क्या करना होगा, ये देखिए शेयर की बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाएगा। आपने लिंक क्रिएट कर लिया, कॉपी कर लिया लिंक को, लिंक कॉपी नहीं हो रहा है, 2 मिनट रुकते हैं। इस लिंक को कॉपी करके आप जिस पे भी पेस्ट करेंगे वहां पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा लिंक का, कि किस तरीके से ये ऐड जो है सारे के सारे ऐड किस तरीके से चलेंगे। अभी ये कॉपी नहीं हो रहा है, कुछ शायद एरर है या स्लो है इस वजह से, बट ये कॉपी लिंक का जो ब्लू पार्ट हाईलाइट हो रहा है इस पे हम लोग टैप करेंगे। आप टैप करोगे इसमें तो ये आपको कॉपी हो जाएगा, फिर आपको जिस यूआरएल में आप पेस्ट करोगे वहां पर ये आपको दिखने लग जाएंगे। अब ये एडवर्टीजमेंट रेडी है। देन आफ्टर द लास्ट स्टेप क्या हमको करना है, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन में मैंने क्लिक कर दिया। कंटेंट अगर देखे लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट द कंटेंट कीवर्ड सेटिंग टू प्रोसीड, मैंने शायद इसको सिलेक्ट नहीं किया था, ये छूट गया था, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। गेट कीवर्ड आइडियाज, जैसे मैं यही कर देती हूँ। क्या है इसमें, कंटेंट ओनली शो एड्स वेब पेज ऐप एंड वीडियो ऑडियंस, कीवर्ड कंटेंट ओनली शो ऑन ऐप एंड वीडियो रिलेटेड। ये डिफरेंट, ये दूसरा एक ऐड बन के रेडी हो गया है। ये सारे ऐड अब आपको बारी बारी से देखते जाएंगे। मैं उसको एक लॉन्ग हेडलाइन बाकी है, लॉन्ग हेडलाइन में मैं क्या लेना है, जॉइन अस, जॉइन द एस सीओ इज एंड बेस्ट कोचिंग इन इंडिया। सारे मैटर्स जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये एड जो है हमारा पब्लिश हो जाएगा। अभी हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश हो चुका है। दिस इज ऑल डन, ये स्टेप्स हैं। बट गूगल एड थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा मांगता है, आपको ज़्यादा इसमें अटेंशन देनी होती है। एक बारी फिर से इसको रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से समझ लेते हैं, कैसे कैसे हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले मतलब फेसबुक थोड़ा अट्रैक्टिव है, इसमें थोड़ा वर्क जरूर लोड ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा ध्यान से इसको करना होता है क्योंकि स्टेप्स भी ज़्यादा हैं। तो वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम फिर हो जाएगा और बचे हुए टाइम में हम लोग उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपका माइक भी ऑन करती हूँ अभी थोड़ी देर में, ताकि अगर किसी की कोई क्वेरीज हो तो उसको भी देख लें हम लोग, शॉर्ट कर लें।
माइक मैंने ऑन कर दिया है, किसी की कोई क्वेरीज हो तो अभी आप पूछ लो, अदरवाइज जो आपका 1 से 7 बजे जो क्लास होती है जिसमें सॉल्यूशन क्लास होती है वहां पे भी आप लोग क्वेरीज अपनी कर सकते हैं। तो आज के लिए इसको एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं फटाफट कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, जीमेल पे लॉगिन करना है, आपकी कोई भी जीमेल, सपोज मेरी जीमेल अभी लॉगिन है, मैंने यहाँ पे गूगल एड्स टाइप किया, गूगल एड टाइप करूंगी तो ये पेज ओपन हो जाता है। इस फर्स्ट पेज में आपको क्लिक करना है, फर्स्ट पेज में जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पेज में आपको साइन इन पे क्लिक करना है, यहाँ आप साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, अगर आपका अकाउंट नया है, आई मीन पुराना अकाउंट नहीं है, तो आप न्यू गूगल एड अकाउंट पे चले जाएंगे। और अगर ऑलरेडी जैसे अभी मैंने काम किया था तो गूगल अकाउंट हमारा बना हुआ था तो मुझे उस पे जाना चाहिए। जब इस पेज पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए स्विच टू एक्सपर्ट मोड करके लिख रहा है, यहाँ पर मुझे जाना है। जब मैं इस पेज पे जाऊंगी तो मैं कैंपेन के ऑब्जेक्टिव पेज में आ जाऊंगी। दिस इज द मेन पेज फॉर ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स की कौन से एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जाने हैं। अब मुझे यहाँ पर एक URL भी देना है कि लोग कहाँ पर जाएं अगर एड पे क्लिक करें, तो मैंने यहाँ पे दे दिया rankkeyword.in। एड गलत है, बिजनेस नेम डाल दिया रैंक। अब देखिए ये वेबसाइट को व्यू करेगा, वेबसाइट है या नहीं है, ठीक है। काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर चाहिए होंगी जो मैं अभी नहीं फिलअप करने वाली हूँ, मैं इसको नेक्स्ट करती जाऊंगी। क्या ये वर्कआउट करेगा, सीमो नहीं, दिस इज, अभी हमें ये नहीं करना है, अभी हमें कैंपेन टाइप पे आ जाना है। ओके, ये मुझे फिलअप करने ही होंगे। मैं इसको स्किप तो कर सकती हूँ। यहाँ हमें जब फर्स्ट बार अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे हमें एक्चुअली रुपीज डालने होते हैं कि हमें INR पे चाहिए अपनी सर्विसेज। मैं ये सबमिट कर देती हूँ, अब हमारा ये पेज जो है वो रेडी हो गया, नो क्वेश्चंस। एक मिनट, ये पुराना वाला अकाउंट है कि नया अकाउंट, आई एम नॉट गेटिंग इट अप। ये हमने, ये तो पुराना अकाउंट है, एक सेकेंड आप लोग, 2 मिनट रुकिए, मुझे लग रहा है किसी दूसरी आईडी से क्रिएट करती हूँ, उस आईडी से वही अकाउंट निकल के आएगा। इसको मैं साइन आउट नहीं करूँगी, मैं नई आईडी से कुछ क्रिएट करती हूँ। ये वाला एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था तो उस आईडी को उसमें डिटेल्स फिलअप करनी होगी, तो मैं इसको स्विच कर लेती हूँ अकाउंट को, इसको यहाँ से बंद कर लेती हूँ और ये नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी। क्रोम का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उससे करती हूँ गूगल क्रोम। तो मैं कौन सा अकाउंट, ये वाला अकाउंट ले लेती हूँ, कुछ उससे बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगी, मैंने गूगल एड लिखा,
देन ये वाला पेज ओपन होता है, वापस यहाँ साइन इन पे आ गया है। ओहो, स्टेप वेरिफिकेशन चाहिए। शो शो नो, नॉट दिस, ये भी नहीं चलेगा। बहुत इसमें लेंदी वर्क है, टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत लेंदी होते। मैं एक और पेज ट्राई करती हूँ। मैम ये क्यों नहीं चलेगा, रीजन क्या है? वो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना, जैसे आप अपना अपनी मेल आईडी किसी और लैपटॉप में खोलते हो ना, तो वो एक आपके फोन पे आता है ना नोटिफिकेशन कि नंबर टैप करो, वेरीफाई करो कि आप ही हो, कोई दूसरा तो नहीं खोल रहा है आपका। तो ये मेरी ऑफिशियल साइट्स है, इस वजह से नहीं ओपन हो रही है। इसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है। जैसे मैं अपना भी पर्सनल मेल आईडी कहीं खोलूंगी तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग उसमें लॉक लगा रखते हैं, इस वजह से वो ओपन नहीं होती। तो इसमें मैं सोचूं कोई ऐसा अकाउंट हो जो लीजिए। भाई देख पा रही हूँ, क्योंकि कोई भी अकाउंट खोलूंगी तो वो टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा। इसमें सिर्फ मेरा पर्सनल अकाउंट ही छोड़ कर दूं, इसमें खुलेगा क्या, देखती हूँ। आप भी जब अपना मेल आईडी कहीं और ओपन करेंगे किसी और उसमें, तो अब इसमें भी पासवर्ड चाहिए। इनको बहुत दिक्कत है यहाँ पे मुझे। पेज लोड ही नहीं हो रहा है। कुछ पेज में इशू है, पेज नहीं ओपन हो रहा है। अभी हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो गूगल एड्स पे हम लोग पेज पे वेबसाइट पे गूगल एड लिखते हैं, फिर डिस्प्ले एड लिखेंगे। डिस्प्ले एड लिखते हैं तो हमारा एक पेज ओपन हो जाता है गूगल एडवर्टीजमेंट का, जो सिंपली ऐसे वाला होता है। चलो आ गया, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो जब हमने वहां लॉग इन किया, गूगल ऐड लिखा, गूगल ऐड लिखने के बाद वहां पे ड्रॉप किया, तो अपना वहां पे बोल उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपका नया अकाउंट है या पुराना। अगर कोई पुराना अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको चूज करेंगे, अगर आप न्यू है तो क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक कर लेंगे, जैसे अभी मैंने पहले किया था। इसका वीडियो होगा उसमें आप देखना, तो वो नया जो क्लिक करेंगे वो चीज आ जाती है वहां पे। वो ऑप्शन में आप जाएंगे तो न्यू अकाउंट पे चले जाएंगे। न्यू अकाउंट पे जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता छोटा सा, वही मैं दिखाना चाहती थी जो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। उस पर्टिकुलर पेज को आई वॉन्ट टू शो यू कि कैसे आता है वो। जैसे मैंने यहाँ से ओपन किया और यहाँ मैं टाइप करूंगी गूगल एड, अगर वापस इस पेज पे मुझे दिखता है तो मैं बताती हूँ आपको, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही मैं बताना चाहती थी। यूजुअली जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ओल्डर अकाउंट्स में नहीं होती हैं। साइन इन करेंगे एंड साइन इन के बाद न्यू गूगल एड अकाउंट पे जाएंगे। एंड क्योंकि इसी आईडी से मैंने बनाया है तो शायद अभी वो वाला पेज यहाँ पर मुझे ओपन नहीं हो। एनीवे, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है स्विच टू एक्सपर्ट मोड लिख करके आ रहा था, ये वाला ऑप्शन। हमको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से जाना है, इस पोर्शन को ऊपर वाले को नहीं टच करना है। जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, कैंपेन वाला, जिसमें बहुत सारे कैंपेन्स के ऑप्शंस होते हैं कि हमें कौन सा एडवर्टीजमेंट रन करना है। अब ये बिजनेस डिटेल मांग रहे हैं क्योंकि ये न्यू अकाउंट है, इनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वंस वी कंप्लीट दिस देन ये वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें लास्ट ऑप्शन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पर आपको यूआरएल लिखना है वेबसाइट का, जिस वेबसाइट को एडवर्टीज जो जो देखने वाला बंदा है, व्यूवर है, ऑडियंस है, वो टैग करे तो किस वेबसाइट में जाए, तो वहां पर हमें ये चीज को लिखना है। फिर यहाँ मुझे कैंपेन का नेम ड्रॉप कर देना है, कॉन्टिन्यू कर देना है।
कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे मुझे कुछ और डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि मैं एडवर्टीजमेंट को कहाँ दिखाना चाहती हूँ, इंडिया, अनदर लोकेशन, कानपुर, राजस्थान, दिल्ली, बॉम्बे, एनीथिंग, तो वो चीज़ को हमें यहाँ पर चूज करना है, एंटर लोकेशन कर देनी है, फिर लैंग्वेज चूज करना है। लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेज चूज करते हैं ताकि किसी भी लैंग्वेज का पर्सन हो वो उसको कर ले। देन मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद आपको बजट चूज करना है अपना। यहाँ पे बिडिंग ऑप्शन को नहीं टच करेंगे, ऑटोमेटिकली बिडिंग गूगल करके देगा जो बेस्ट ऑप्टिमाइज वे होगा। अब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टारगेटिंग, सॉरी मैंने टारगेटिंग वाला शायद मिस कर दिया है, बैक ऑप्शन है क्या यहाँ पे? नहीं, बैक ऑप्शन नहीं है, एड क्रिएशन में थे हम लोग। देन टारगेटिंग में हमने चार तरीके की टारगेटिंग करी थी। टारगेटिंग करने के बाद जिसमें एज हमने डालनी थी, एज के बाद देन किस तरह का, कहाँ कहाँ, कौन कौन से चैनल्स पे हमें वो दिखाना है वो चूज कर लिया, ऐप में दिखाना है या वेबसाइट पे दिखाना है वो चूज कर लिया। एंड देन आप इस सेगमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब हमारा एड क्रिएशन शुरू होता है। एड क्रिएशन में कई तरीके हैं, या तो आप 15 से 16 इमेजेस बनाइए गूगल के एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए। किस तरह से बनेंगे, यहाँ पर इमेजेस के आगे देखिए क्वेश्चन मार्क बना है, इस पर आप टैप करेंगे, आपको डायमेंशन आ जाएंगे, इतने डायमेंशन की फोटो हमें बनानी है। जैसे अभी मुझे दिख रहा है 2, 2, 4, तो 6 बनानी है, 6 इमेजेस आपको बनानी होंगी। 6 इमेजेस बनाने के लिए आप कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं, क्विकली बन जाएगा, 5-10 मिनट लगते हैं एक इमेज को बनाने में। बस आपको कंटेंट पहले से डिसाइड करने होते हैं, और अदरवाइज ये चीज आपको नहीं करनी होती एज ए सोशल मीडिया डिजाइनर या फिर डिजिटल मार्केटर। ये काम ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं, वो आपको बना के देंगे। आपको ये डायमेंशन लेकिन उनको देने होंगे। आप जब डायमेंशन दे देंगे, कंटेंट दे देंगे, तो वो आपको इमेज बना के दे देंगे, इमेज बना के आप अपलोड कर देंगे। दूसरा तरीका क्या हमने यहाँ पर सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, कि गूगल में आपको क्या करना है, इमेज अपलोड कर देनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 लैंडस्केप, एक लंबी इमेज, 1 स्क्वायर इमेज, फिर अप टू 5 लोगोस। आप 5 डिफरेंट टाइप के लोगो दे सकते हैं। टाइप का मतलब वो नहीं है, जैसे किसी का लोगो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से लोग यूज करते हैं स्पेस के अकॉर्डिंगली, तो वो उस तरीके से यहाँ पर हम लोगो दे सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप सिंगल लोगो भी दे सकते हैं। जैसे रैंक कीवर्ड का लोगो था, तो उसमें ही एक आर सिर्फ करके ला था और एक में आर के साथ रैंक कीवर्ड नीचे लिखा था, तो इन दोनों को हम अलग अलग भी दे सकते हैं, साथ में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोगो अटैच कर दिए। इसके बाद अगर आप वीडियो देना चाहते हैं कोई, तो आप वीडियो दे सकते हैं। देन आफ्टर हमको हेडलाइंस लिखनी होती हैं। हेडलाइन में आप क्या लिखते हैं कि आप जो भी आपका टाइटल का मैटर हो, फिर उसके बाद लॉन्ग हेडलाइन लिखनी है, फिर एक डिस्क्रिप्शन लिखना है जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको यूआरएल ऑप्शन ऐड करना है और फिर क्रिएट ऐड में क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट ऐड में क्लिक करेंगे, जैसे ही ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन तक आप फिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली बंद करके आपको दिखने लगेंगे इस बॉक्स में यहाँ पर। और इसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक इतनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी जो ऊपर लिखी हुई हैं, एडवर्टीजमेंट क्रिएट, आई मीन एड इमेज क्रिएट होकर के नहीं मिलेगी। वंस आपने ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, इधर साइड में लेफ्ट पैनल पे जो बनी हुई है हमें फिलअप करना है, यहाँ से आप पढ़ते जाओ और यहाँ पे करेंगे हम लोग। करने के बाद यहाँ पे एड इमेजेस बन के आनी शुरू हो जाएंगे, हमें दिखेंगे कैसे एड बन रहे हैं। एंड देन आफ्टर हमें यहाँ पर क्रिएट एड में क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देंगे, तो ये हमारा एड जो है पब्लिश हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड क्यों करते हैं ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और कैसे करते हैं, ये आपने ऐसे सीख लिया। अब आप इसको प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप 7 o'clock वाली जो क्लास है उसमें पूछो, और नहीं तो हम लोग कल वापस इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, तब जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं उनको पहले शॉर्ट कर दूंगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन के लिए मैं यहीं पे इसको एंड करती हूँ सेशन को। थैंक यू एवरीवन, कल की क्लास में मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
और इसके बाद जो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट होगी, जैसे सर्च ऐड है या और भी कोई डिफरेंट एडवर्टीजमेंट, 5 से 6 तरीके के होते हैं, उन सभी को मुझे कवर अप करना है। तो हम लोग कल देखेंगे एक नया एडवर्टीजमेंट और कैसे बनाते हैं, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे सेशन, और जो वीडियो है वो यहीं शेयर हो जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू एवरीवन।